नमस्ते प्यारे बच्चों, कहानी में पिछले भाग में हमने देखा था कि बकरी और बीज में क्या बातचीत हुई। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ और दिनों बाद उस बीज का अब एक अच्छा पौधा बन गया था। एक दिन एक गाय वहां आई। पौधे की हरी पत्तियां देखकर गाय का उन हरी पत्तियों को खाने का मन किया, तो गाय उन पत्तियों को खाने गई। तभी पौधे ने कहा, रुकी रहो रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, फिर मुझे तुम खाना। बीज की ये बात सुनकर गाय भी वहां से चली गई। इसके बाद बहुत दिन बीत गए। एक दिन वही चिड़िया, बकरी और गाय फिर से एक जगह इकट्ठे हुए। तीनों ने एक दूसरे से पूछा, अरे वो छोटा बीज कहाँ गया? तभी एक बड़े पेड़ ने कहा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पेड़ की यह बात सुनकर सभी खुश हो गए। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि एक बीज से पेड़ कैसे बनता है। पेड़ बड़ा होने के बाद हम सबके बहुत काम आता है। अब आप सोचिए कि पेड़ किस किस तरह हमारे काम आता है। फिलहाल हम यही रुकते हैं।